मेरे साथ जल्दी जल्दी क्योंकि नमाज करना है। गुप्ता साहब आगे बढ़िए, जय साहब आगे आइए, जय साहब आगे आइए, मोहम्मद अशरफ साहब और हमारे शाहपुर से वो यूथ के मुख्तार साहब जल्दी आ जाइए, मुख्तार साहब अक्सर उम्मीद करो भैया बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, राहुल जी जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद श्री विकार रसूल वानी साहब, जिंदाबाद श्री आकाश भारत जी, जिंदाबाद श्री राहुल गांधी जी, जिंदाबाद प्रियंका गांधी जी, जिंदाबाद। देखिए आज तो हम यहाँ आए थे इलेक्शन प्रिपेयरनेस के लिए कि कैसा कैसा हमारा चल रहा है यहाँ पे इलेक्शन का, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, नौजवान जो है वो बदलाव चाहता है और इसी कड़ी में आज भी यहाँ पे काफ़ी लोग ज्वाइन हुए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बदलाव हो। जो बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, जो जुल्म यहाँ बीजेपी की सरकार इतने 10 सालों से कर रही है, उस बदलाव के लिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े, और देखने में मिल रहा है कि बढ़ चढ़ कर लोग यहाँ सामने बहुत बड़े बड़े करते हैं दावे करने में, और ग्राउंड पे वो चीज़ इंप्लीमेंट होने में बहुत फर्क होता है। दावे तो ये भी किए गए थे 2019 के बाद हम आपको यहाँ पे स्टेटहुड वापस देंगे, 2024 तो आ गया, स्टेटहुड तो वापस आया नहीं। दावे तो ये किए गए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक तो उसी हिसाब से 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था, आज तक तो रोजगार मिला नहीं, जबकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। दावों के ऊपर जाएं तो दावे बीजेपी के पास इतने ज्यादा हैं कि दावों की लिस्ट से मैं 10 दिन बोलता रहूंगा वो खत्म नहीं होगी।